स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं आज आपको एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस बताऊंगा। जो आज हमारा वीडियो है वो एक्सरसाइज 5C का है। तो इसमें आप भी विशेष समीकरण को हल करना है। 2x plus y plus z is equal to 2 है, x plus 3y minus z is equal to 5 है, 3x plus y minus 2z is equal to 6 है। इस समीकरण को हमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है? ऑब्वियस मेथड से, मतलब मैट्रिक्स मेथड से इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की हमको निकालनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ए बराबर लिखेंगे 2, एक्स कोएफिशिएंट को 1 और 1, बी इक्वल फिर एक्स है सेकंड इक्वेशन 1 3 माइनस 1 3 1 माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा क्या ए। और एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक्स वाई जेड आएगा x की वैल्यू, और b की वैल्यू आ जाएगी जो बराबर के उस साइड 2, 5 और 6, 2, 5 और 6, ये क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई। अब हमको इसका मॉड निकालना, मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। a का मॉड निकालेंगे, इसके बाद इसका एडजॉइंट निकाल के इसका इनवर्स निकालेंगे a का। ठीक, तो हम इसका निकालेंगे ऑब्वियस में a का मान। ठीक है, तो मान a इक्वल टू निकालते कैसे निकालेंगे, 2 लेंगे और 2 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो सबके साथ छूटता है। बच्चों तो देखो क्या क्या बचा, देखते हैं 3 माइनस 1 1 और माइनस 2 बचा। ठीक है, पहले प्लस का 2 लेते हैं, अब माइनस 1 का लेंगे। ठीक है, 1 को लेंगे तो 1 के नीचे वाला कॉलम को छोड़ देंगे, क्या क्या बचेगा देखो, 1 और माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस 1 3 और माइनस 2 बचा। ठीक है, प्लस 1 लिए तो 1 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, क्या बचा 1 3 1 3 और 3 1 बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 3 का इंटू माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 6 आया, नियम को माइनस है। ठीक है ना, 1 का इंटू माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 आएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा फिर। ठीक है, माइनस 1 लिखे, माइनस 2 का इंटू 1 से किया तो माइनस 2 आया, नियम का माइनस लगाया। 3 का इंटू माइनस 1 से किया तो माइनस 3 आया, माइनस 3 और ये माइनस क्या बना दिया, प्लस का 3 बना दिया, प्लस 1 लिखा, 1 1 जा 1 हुआ, 3 का इंटू 3 से किया, 3 जा 9 हुआ। तो 2 माइनस 6 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, माइनस 5 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 क्या हो गया 1, प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 9 क्या हो गया माइनस 8 हो गया। तो माइनस 10 माइनस 1 माइनस 8, तो इस प्रकार से 10 1 11 11 8 19, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 19 आई। अब हम सहखंडक निकालेंगे, तो हम क्यों लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते चलिए देखते हैं। a11 निकाले, 1 और 1 को प्लस किया तो 2 हुआ, इवन नंबर इसलिए कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो ये है 2 1 1 और फर्स्ट कॉलम है 2 1 3, छूट जाएगा, क्या बचा अपने पास 3 माइनस 1 1 माइनस 2 बचा। इसका 3 का इंटू माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 6 होगा, नियम का माइनस है, 1 और माइनस 1 का इंटू करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, तो माइनस 5 आ गया। अब a12 निकालेंगे, देखो 1 और 2 को प्लस करो तो 3 हुआ, और नंबर है इसलिए माइनस लगेगा। अब फर्स्ट रो छूटेगा, सेकंड कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा अपने 1 माइनस 1 3 और माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से माइनस ये लगाए, माइनस 2 का इंटू 1 से करेंगे तो माइनस 2 और प्लस 3 बन जा 3, नियम माइनस था लेकिन माइनस 3 पहले से था, इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आया तो माइनस 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे a13, वही a13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा हमारे पास 1 3 3 1, तो इस प्रकार से बच्चों 1 का इंटू 1 से करेंगे 1 माइनस 3 का इंटू 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, इस प्रकार से क्या आया माइनस 8 आ गया। अब बच्चों हम निकालेंगे a21, देखो 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, विषम संख्या इसलिए माइनस लगेगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 1 1 बचेगा, 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2 बचा बच्चों, तो माइनस लगाया, माइनस 2 का इंटू 1 से क्या माइनस 2 माइनस 1, इस प्रकार से माइनस 3, तो इस प्रकार से क्या आ गया बच्चों 3 आ गया a21। अब हम निकालेंगे a22, सेकंड रो का सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो ये है सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 2 और 1 बचेगा, 2 1 सेकंड रो छूटेगा सेकंड कॉलम छूटेगा, तो 2 और 1 बचा 3 और माइनस 2 बचेगा। ठीक है, 3 और माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको इंटू करेंगे, 2 का इंटू माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4 हुआ, माइनस नियम का लगा, तो 3 का 1 इंटू 1 से करें तो 3 1 जा 3, इस प्रकार से बच्चों माइनस 7 आया। अब बाकी के एडजॉइंट निकालता हूं, 2 मैं निकाल चुका था, अब मैं निकालूंगा a23, मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, 2 3 को ऐड करो 5 आया, 5 आया मतलब निगेटिव आएगा, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम मेरा ये है, ये छोड़ दो ना, सेकेंड रो छोड़, ध्यान से देखो ना, सेकेंड रो ये ठीक और थर्ड कॉलम ये छूट गया, तो क्या बचा मेरे पास, 2 1 बचा और 3 1 1 बचा। ठीक है, इसको इंटू कर दीजिए, माइनस लगाइए, 2 1 कम 2 माइनस 3 बन जा 3,
माइनस माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा वन। अब हम निकालेंगे ए थ्री वन, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये छूट गया, क्या बचा अपने पास वन वन थ्री माइनस वन बचा, तो वन का इंटू माइनस वन से किए माइनस वन हुआ, माइनस नियम का लगाइए थ्री इंटू वन कीजिए थ्री, इस प्रकार से माइनस फोर हो गया। ए थ्री टू निकाला, ऑड नंबर विषम है, तीन दो पांच हुआ, तो थर्ड रो का सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, टू और वन बचा और वन और माइनस वन बचा, ठीक। तो इसको माइनस लगाया, टू का इंटू माइनस वन से किया माइनस टू माइनस वन हुआ, तो बच्चों माइनस माइनस थ्री आया, इस प्रकार से क्या हो गया थ्री हो गया। ए थ्री थ्री निकाला, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है थर्ड कॉलम ये छूट गया, क्या बचा अपने पास दो एक बचेगा और एक तीन बचेगा, ठीक। तो अब तीन का गुणा दो से किया, तीन दूनी छह माइनस एक बराबर क्या बचा पांच। अब बच्चों मैंने शाखंडल निकाल दिया एडजॉइंट, अब हम सब वैल्यू को एक जगह पुट कर देते हैं, ठीक। पॉइंट लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, फिर ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, ठीक है हमने ये लिख दिया। अब ए वन वन की वैल्यू मेरे पास कितनी बताओ, माइनस फाइव माइनस वन माइनस एट, फिर थ्री माइनस सेवन वन, फिर माइनस फोर थ्री और क्या हुआ फाइव हुआ, ठीक एडजॉइंट है। अब बच्चों मुझे इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इसका टू क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है, ठीक। तो मॉड ए मेरे पास कितना आया था, माइनस का 19 आया था, तो 1 बाय माइनस 1 बाय 19 लिखा, ठीक है। अब एडजॉइंट को मैं लिख दिया माइनस 5 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7 3 माइनस 8 1 और 5, ये हो गया हमारा क्या इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स आ गया। अब हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का फार्मूला यूज करना है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमने यूज किया, एक्स वाई जेड एक्स के प्लेस में लिखेंगे, ए इनवर्स हमने निकाल लिया, तो माइनस वन बाई नाइनटीन माइनस फाइव थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस सेवन थ्री माइनस एट वन फाइव, और बी की वैल्यू जो था इक्वेशन के जो राइट साइड में होता वो बी की वैल्यू आएगी 256। तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड हमने लिख दिया, ठीक है एक्स वाई जेड लिखा, माइनस वन बाई नाइनटीन का मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, माइनस फाइव का इंटू टू से करिए माइनस का टेन आया, थ्री का इंटू फाइव से करिए थ्री फाइव या फिफ्टीन हुआ, माइनस फोर का इंटू सिक्स से किए तो माइनस ट्वेंटी फोर हुआ, फिर माइनस वन का इंटू टू से करिए तो माइनस टू होगा, माइनस सेवन का फाइव से करेंगे तो माइनस थर्टी फाइव होगा, थ्री का इंटू सिक्स से करेंगे तो प्लस का एट्टीन हो जाएगा, माइनस एट का इंटू टू से करेंगे तो माइनस का सिक्सटीन होगा, वन का इंटू फाइव से करेंगे तो प्लस का फाइव आया, फाइव का इंटू सिक्स से करेंगे तो प्लस का थर्टी होगा बच्चों, ठीक मल्टीप्लाई सीख गए। अब ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड हमने लिखा, माइनस वन बाई नाइनटीन लिखा, अब इसको सॉल्व करिए, पंद्रह में दस गया क्या है पांच, पांच में से चौबीस जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का उन्नीस बचा, ठीक माइनस दो और पैंतीस कितना होगा माइनस सैंतीस, सैंतीस से अठारह माइनस कर दीजिए कितना बचेगा बच्चों बताओ, सैंतीस से अठारह माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा सत्रह में आठ जाएंगे नौ, दो तीन में दो जाएगा तो एक, उन्नीस बचा, क्या बचा उन्नीस बचा, माइनस का उन्नीस बचा, ठीक है। और सोलह तीस पांच पैंतीस, पैंतीस से सोलह माइनस कर दीजिए कितना बचेगा पैंतीस में से सोलह माइनस हो जाएगा तो पंद्रह में छह चार दस पंद्रह दो तीन में दो गए एक, उन्नीस बचा एक उन्नीस आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस वन बाई नाइनटीन था इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे उन्नीस का, ठीक है सब टर्म में, तो देखते हैं फिर से, ठीक है एक्स वाई जेड लिख दिया हमने और माइनस वन बाई नाइनटीन का माइनस नाइनटीन से जब इंटू करें तो कट जाएगा नाइनटीन नाइन में क्या बचेगा वन, इसमें भी कट जाएगा तो वन, इसमें माइनस लग जाएगा नाइनटीन नाइनटीन कटेगा तो माइनस का वन आ गया, चलते हैं एक्स बराबर क्या आ गया वन, वाई बराबर वन और जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन, जिस प्रकार से अपना आंसर आ गया बच्चों एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू माइनस वन आया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताएंगे, आप भी इससे निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस टेन अपॉन जेड इक्वल टू फोर है, फोर अपॉन एक्स माइनस सिक्स अपॉन वाई प्लस फाइव अपॉन जेड इक्वल टू वन है, सिक्स अपॉन एक्स प्लस नाइन अपॉन वाई माइनस ट्वेंटी अपॉन जेड इक्वल टू टू है। तो चलिए देखते हैं इसमें अब a इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टू पहले हम लोग इसको इक्वेशन कैसा बना लेते हैं, कैसे देखिए टू एक्स इनवर्स प्लस थ्री वाई इनवर्स सबसे इजी मेथड है ये, प्लस टेन जेड इनवर्स इक्वल टू फोर, सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे फोर एक्स इनवर्स माइनस सिक्स वाई इनवर्स प्लस फाइव जेड इनवर्स इक्वल टू वन, फिर थर्ड इक्वेशन को कैसे लिखेंगे सिक्स एक्स इनवर्स प्लस नाइन वाई इनवर्स माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी जेड इनवर्स इक्वल टू टू,
तो बच्चों अब हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3 10, 2 3 10, 4 माइनस 6 5 और 6 9 माइनस 20, ये आ गया हमारे पास क्या, ए यक्स आ जाएगा हमारे पास, यक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, और बी आ गया हमारे पास 4 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद हम एडजॉइन निकालेंगे। तो हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं माटे, देखिए 2 लिखा, 2 के सामने वाले सब छूट जाएगा, क्या क्या बचेगा, -6 5 9 -20, फिर -3 लिखेंगे, 3 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट तो छूटेगा ही छूटेगा, क्या बचा 4 5 6 और -20 +10, 10 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा 4 -6 6 और 9, ठीक है। आप ध्यान दीजिए 2 20 का 6 में इंटू करिए 120 आया, 9 5 45 हो जाएगा 45, -3 -20 का 4 में इंटू करिए तो -80, -30 +10, 9 4 36 +36 हो जाएगा, ठीक। आप 2 120 से 45 माइनस करिए, 10 में हो जाएगा 5 5 7 75 आएगा, -3 -80 -30 कितना हो जाएगा -1 0, 110 +10 72, आप 2 का इंटू 75 में करेंगे तो 150 आया, प्लस 110 का इंटू 30 में करेंगे तो क्या होगा 330 होगा, प्लस 72 का 10 में इंटू करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 720। इस प्रकार से सबको प्लस करते हैं तो 0 आया, 2 3 5 5 5 10, 1 कैरी आ गए 7 3 10 10 1 11, और ये 2 अन कैरी क्या आ गया 1200, तो मार्ट ए की वैल्यू आ गई 1200। अब हम एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन निकालते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, क्या गया बचेगा -6 5 9 -20 बचा, ठीक है। अब इसका इंटू करिए, 20 का 6 में इंटू करेंगे तो 120 आया, -9 5 या 45 करिए और इसको माइनस कर दीजिए, 10 में 5 गया 5 5 आएगा, 12 में 5 गया 75, तो A11 आ गया 75, A12 निकाला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऑड है नंबर है 1 2, तो विषम संख्या होने पर माइनस लगेगा, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा 4 5 बचा और 6 -20 बचा, तो आप माइनस लगाया, -20 का 4 में इंटू करें तो -80 -30, तो ये -80 -30 क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। अब A13 निकाला, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो खुल जाएगा थर्ड कॉलम ये छूट जाएगा, क्या क्या बचेगा ध्यान दीजिए 4 -6 6 और 9 बचा, तो 9 का इंटू 4 से करीब बचे तो 36 हुआ, माइनस नियम का है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 36, ये आ गया 72 A13। अब निकालेंगे A21, इसमें ऑड नंबर 21, तो ऑड नंबर में माइनस लगेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो छोड़ दीजिए फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा 3 10 3 10 9 और -20 बचेगा। आप क्या करिए -20 का इंटू 3 से करिए तो -60 हुआ, -9 और इंटू 10 करेंगे तो -90 हो गया, इस प्रकार से -9 6 15 150 हो जाएगा, प्लस का 150 आ गया। और A22 निकालेंगे, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो छूट जाएगा सेकेंड कॉलम छूट जाएगा, 2 और 10 बचा 2 10 6 और -20 बचेगा 6 -20 बचा, इसका इंटू करेंगे बच्चे -20 का 2 से इंटू करेंगे -40, नियम का माइनस लगाएंगे 10 6 जा 60, इस प्रकार से क्या आएगा माइनस का 100 आया। अब हम निकालेंगे A23 और फिर इसके अदर जो एडजॉइंट है उनको निकालेंगे, A23 निकालते हैं, देखते हैं A23 क्या है, ऑड नंबर है माइनस लगेगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम छूट जाएगा, सेकंड रो ये है थर्ड कॉलम ये छूट जाएगा, क्या बचेगा 2 3 2 3 और 6 और 9 बचेगा, तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास माइनस लगा है 9 2 जा 18, माइनस का 18, इस प्रकार से क्या आ गया 0 आ गया, तो A23 की वैल्यू आ गई अपने पास 0। फिर A31 निकाले, थर्ड रो छूटेगा फर्स्ट कॉलम छूटेगा, क्या बचा देखो 3 और 10 बचेगा, -6 और 5 बचेगा, तो 3 5 जा क्या हुआ 15, नियम का माइनस लगाए और -10 6 जा 60 होगा तो प्लस का 60 हो गया, क्या बन गया 75 बन गया। फिर A32 लगा दिया बच्चों, माइनस है 3 2 को प्लस करिए 5 आएगा, और नंबर है माइनस लगे, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये है सेकंड कॉलम ये छोड़ दो तो 2 और 10 बचेगा, 2 और 10 4 और 5 बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना, थर्ड रो ये है ये छूट जाएगा, सेकंड कॉलम ये पूरा छूट जाएगा, ठीक है, तो 2 और 10 और 4 और 5 बचा, ठीक। तो देखिए
फाइव टू जा 10 हो गया, माइनस 10 फोर जा 40 हो गया, तो माइनस का 30, माइनस 30 आया। जिस प्रकार से कुल मिला के क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस का 30 आ गया। फिर ए थ्री थ्री निकाल दिए, थर्ड रो का थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या क्या बचा देखिए, टू बचेगा, थ्री बचेगा, फोर बचेगा, माइनस सिक्स बचा, ठीक है। अब देखिए माइनस सिक्स इंटू टू करेंगे माइनस 12 हुआ, माइनस नियम का लगाइए, फोर थ्री जा 12 हुआ, इस प्रकार से क्या आ गया, माइनस 24 आ गया। अब हम एडजॉइंट में सब वैल्यू को लिख देंगे। बच्चों हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना, एडजॉइंट ए। तो पहले A11 की वैल्यू रखिए, A11 की वैल्यू देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर साइड में सब लिख दिया वैल्यू, उसको लिख देता हूँ 75, 72, फिर 110 होगा, A12 की वैल्यू 110 है, फिर A13 की वैल्यू 72 हो गया, फिर A21 की वैल्यू हो जाएगी 150, 150, फिर माइनस का 100 है, फिर 0 होगा, फिर 75, फिर 30 और माइनस का 24 आया, ठीक। ये आ गया बच्चों मेरे पास एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स निकालूंगा, तो ए इनवर्स इसका लू क्या फॉर्म होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए की मेरे पास वैल्यू कितनी थी, 1200 था, 1200, तो 1 अपॉन 1200 लिखा और ये वैल्यू लिख दिया 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 और माइनस का 24 हुआ, ठीक। अब बच्चों क्या निकालेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b, तो x की वैल्यू मेरे पास थी x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स था, ठीक है ना, और a इनवर्स मेरे पास आ गया 1 अपॉन 1200 और 75 110 72 150 माइनस 100 और 0 75 30 और माइनस का 24, ठीक है चो। और बी की वैल्यू मेरे पास, ये भी बी की वैल्यू मैंने यहाँ साइड में लिख लिया था 4 1 और 2। अब मुझे क्या करना है, इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए x इनवर्स लिखिए, y इनवर्स, z इनवर्स, ये है x की वैल्यू, ठीक है, 1 अपॉन 1200 लिखिए, ठीक। अब 75 का इंटू 4 से करिए कितना आएगा, 4 5 जा 20 0 2 कैरी 4 7 जा 28 और 2 30 हो गया। 75 का इंटू 4 से 150 का इंटू 1 से करिए तो 150 हो गया, 75 का इंटू 2 से करिए तो 150 हो गया, ठीक बच्चों। अब 110 का 4 से इंटू करिए तो 440 हो गया, माइनस 100 का इंटू 1 से करिए तो माइनस 100 हो गया, ठीक। 30 का 2 से इंटू करिए बच्चों तो 32 जा 60 हो गया, 72 का इंटू 4 से करिए तो 4 2 जा 8 4 7 जा 28 ये हो गया, और 0 का इंटू 1 से करिए तो 0 हो गया, फिर माइनस 24 का इंटू 2 से करिए बच्चों तो माइनस का 48 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय 1200। अब बच्चों 300 और 300 कितना होगा, 600 हो गया, ये 440 से 100 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 340 में 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 400 हो गया। 288 से 48 घटा दीजिए बच्चों तो 8 में 8 गई 0, 8 में 4 गई तो 4 और 240 हो गया, ठीक है। x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स को हम लोग लिख लेते बच्चों। अब देखो 1 बाय 1200 का 600 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, देखो 6 1 6 6 2 12, 1 बाय 2 आया। 400 का 12 से डिवाइड कर दीजिएगा 1200 से तो 1 बाय 3 आ गया। 240 का इसमें 0 0 कट जाएगा बच्चों और 24 5 125 होगा तो 155 आ गया, ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब बच्चों x इनवर्स इक्वल टू 1/2 लिखे, x इनवर्स का मीनिंग होगा 1 बाय x इक्वल टू 1/2, तो बाय क्रॉस कर दोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब हम लोग y इनवर्स को भी 1/3 के इक्वल कर दे, y इनवर्स इक्वल टू 1/3 तो 1 बाय y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, तो y का इनटू 1 से कर दे तो y बराबर 3 आ गया, 3। अब z इनवर्स इक्वल टू 1/5 कर दीजिए, z इनवर्स को 1/5 से कम करके करें तो 1 बाय z इक्वल टू 1/5, देन z इक्वल टू क्या हो गया, 5 होगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू क्या, 5 आ गया बच्चों, ठीक। अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यदि a बराबर 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 एंड b इक्वल टू 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5, देन ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अतः निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल भी करना है बच्चों। क्या है क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई बराबर 3 है, फिर 2x+3y+4z=17 है, फिर y+2z=7। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं, प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं ए बी, ए की वैल्यू रखिए 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 और बी की वैल्यू रख देते हैं 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 एंड 5 बच्चों।
चलिए देखते हैं ए बी का इंटू कैसे करते हैं। देखो वन का इंटू टू से करीब आचो तो टू आया, माइनस वन का इंटू माइनस फोर से करेंगे तो प्लस का फोर आएगा, जीरो का इंटू प्लस टू से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, टू का इंटू टू से करेंगे बच्चों तो फोर आएगा, थ्री का इंटू माइनस फोर से करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आएगा, फोर का इंटू टू से करेंगे तो फोर टू जा एट हुआ, ठीक। जीरो का इंटू टू से करिए तो जीरो आया, वन का इंटू माइनस फोर से करिए तो माइनस फोर आया, टू का इंटू टू से करिए तो प्लस का फोर हुआ बच्चों। अब इसी टाइप से इसमें इंटू करना, सेकंड कॉलम में वन का इंटू टू से करिए तो टू आया, माइनस वन का टू से इंटू करिए तो माइनस टू आया, जीरो का इंटू माइनस वन से करिए तो जीरो हो जाएगा, टू का इंटू टू से करिए बच्चों तो फोर आया, थ्री का इंटू टू से करिए तो सिक्स आया, फोर का इंटू माइनस वन से करिए तो माइनस फोर आया, ठीक। जीरो का इंटू टू से करिए तो जीरो आया, वन का इंटू टू से करिए बच्चों तो टू आएगा, टू का इंटू माइनस वन से करिए तो माइनस टू आया। अब वन का इंटू माइनस फोर से करिएगा तो माइनस फोर आया, माइनस वन का इंटू माइनस फोर से करेंगे तो प्लस का फोर आया, जीरो का इंटू फाइव से करिए बच्चों तो जीरो आया, फिर टू का इंटू माइनस फोर से करिए तो माइनस एट हुआ, थ्री का इंटू माइनस फोर से करिए बच्चों तो माइनस ट्वेल्व हुआ, फोर का इंटू फाइव से करिए तो फोर फाइव जा ट्वेंटी हुआ, जीरो का इंटू माइनस फोर से करेंगे तो जीरो आएगा, वन का इंटू माइनस फोर से करेंगे तो माइनस फोर आएगा, टू का इंटू फाइव से करेंगे तो क्या आएगा, टू फाइव जा टेन हो गया बच्चों, ठीक है। ये अपना मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई को एक बार हम लिख देते हैं बच्चों आपके लिए, फोर टू सिक्स हुआ, टू माइनस टू जीरो हुआ, माइनस फोर प्लस फोर जीरो हुआ, ठीक, फोर माइनस एट फोर से जीरो हो गया, फोर सिक्स ये सिक्स हो गया और माइनस एट ये जीरो हो जाएगा, ये वाला माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो गया, टू माइनस टू जीरो हो गया, माइनस फोर और प्लस टेन कर देंगे बच्चों सिक्स आ गया, ठीक। ये अपना आया, मतलब क्या क्या आएगा बच्चों, सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स आया, ठीक। ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, अब इससे मैं क्या करूंगा, सिक्स कॉमन ले लेता हूं तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों क्या आया गया, सिक्स आई, ए बी इसका जो क्या आ गया मेरे पास, सिक्स आई। तो जब बच्चों मैं बी निकालूंगा या बी ए इनवर्स लिखता हूं, ए इनवर्स, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सिक्स आई मेरे पास आ गया, तो ए इनवर्स इसका जो क्या निकालेंगे हम, सिक्स आई बाई बी, मुझे निकालना है, मेरा कहने का मतलब क्या है, ए बी बराबर सिक्स आई आया है तो मुझे ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इसका जो क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, ए इनवर्स इनटू ए बराबर सिक्स आई इनटू ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू ए बराबर क्या होता है अपना आई आएगा, ए इनवर्स ए इनटू ए बराबर का कट जाएगा, क्या बचेगा, बी बचेगा, आई इनटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आई इनवर्स आएगा, ए इनवर्स होगा, तो ए इनवर्स इसका जो क्या हो जाएगा बच्चों, सिक्स बाय क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, सिक्स बाय बी आएगा। देखो समझ में आ रहा ना, मैंने क्या किया, ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स ए बराबर क्या होगा, कट के जीरो होगा, ठीक है, मतलब कट जाएगा, वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा, ए इनवर्स ए कैंसिल होकर वन आएगा, बी बचा, आई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स, तो फिर जब ए इनवर्स बराबर क्या होगा, बी अपान सिक्स, ये सिक्स अपान बी होगा, ठीक है ना। तो ए इनवर्स अब अपने को क्या चाहिए, देखिए 6a इनवर्स इज इक्वल टू, मैं एक बार और लिख दूं b, तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b by 6 आएगा, क्या आएगा, b by 6 आ गया, ठीक ना, ये क्लियर हुआ ना, 6a इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखा, b, तो a इनवर्स बराबर क्या होगा, b बटे 6 हुआ। तो इसमें से a निकालते हैं, देखिए इक्वेशन हमारे पास पहले से क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे था x - y = 3, 2x + 3y + 4z = 17, y + 2z = 7, तो क्या करेंगे, जैसे हम a इसको लिखेंगे 1 - 1 और z नहीं है बच्चों, 0 कर दीजिए, टू थ्री फोर जीरो, यक्स नहीं है ना, जीरो लिखिए, वाई है वन, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, एक, और जेड का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट टू, तो टू लिखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिख देंगे, यक्स वाई जेड लिख दिए, ठीक, और इसका टू करके ये जो बराबर की इधर वाली संख्या उसको लिखे, 3, 17 और 7 लिख दिए, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया ए एक्स इक्वल टू सी का, जहां ए, ए, इसको ए मान लिया, पूरा टर्म ए है, यक्स वाई जेड को मैंने यक्स मान लिया, और जहां सी बराबर मैंने क्या मान लिया बच्चों, सी बराबर है मेरे पास 3, 17 और 7, ठीक है, एक्स बराबर सी है तो यक्स बराबर क्या होगा बताओ, यक्स बराबर होगा ए इनवर्स सी होगा ना, ए इनवर्स सी, यक्स इसका टू क्या होगा, यदि ये आपको समझ में नहीं आता मैं साइड में लगा देता हूं, देखो ए एक्स बराबर सी, तो यक्स इसका टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए होगा ना, जब सी बाई ए नीचे है तो जब ए ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, ए इनवर्स सी, यही मैंने लिख दिया, यक्स इसका टू ए इनवर्स सी लिखा। अब ए इनवर्स की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल के रखा है बच्चों, ए इनवर्स बराबर क्या है, बी बाई सिक्स है, ठीक है, तो यहां पर मैं एक्स बराबर ए इनवर्स बराबर बी बाई सिक्स ये निकल चुका है, ठीक है, ज्ञात है, मैंने पहले से निकाल चुका हूं मैं, ये एक्स बराबर ए इनवर्स बराबर बी बाई सिक्स हमारा पहले से ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है।
तो क्या करेंगे बच्चों, x लिखिएगा, a इनवर्स की जगह में क्या लिख देंगे, b by 6 लिखिएगा और c। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6, 1 तो अपने से लिख सकते हैं, 1/6 into bc। अब b और c की वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो समझ में आ रहा ना, ये ax बराबर c, इसको a मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको c। तो इस प्रकार से मेरा x बराबर क्या आएगा, 1/6 bc आया। अब इसका इंटू करना है, x y z 1/6 लिख दिया, 2 का इंटू 3 से करिए बच्चों, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ठीक है ना। b का 2 3 जा 6, 2 का 17 में इंटू करिए 34 हो जाएगा, माइनस 4 का 7 में इंटू करिए बच्चों -28, माइनस 4 का इंटू 3 में करिए -12, 2 का इंटू 17 से करिए 34, माइनस 4 का 7 में इंटू करिए बच्चों -28 हो जाएगा, 2 का इंटू 3 में करिए 6, -17 प्लस 35 पाया। अब बच्चों क्या करेंगे, x y z को लिखते जाएंगे हम लोग बार बार, 1/6 लिखा। अब देखो 34 और 6 क्या हो जाएगा, 40, 40 में 28 चला जाएगा बच्चों, कितना है 28, 2, 30, 10, 40, 12 आया। अब जिसमें से करेंगे देखे तो माइनस 12 और 28 कितना हो जाएगा, 28, 2, 30, 10, 40, 34 में 40 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। और 35, 5, 40, 41 में 17 घटा देंगे बच्चों, तो 41 से 17 घटा देंगे, 11 में 7 गए 4, 2, 4 में 2 गए तो 24 आ गए हमारे पास। इस प्रकार से बच्चों ये 6 से जब कट जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर हम साइड में लगाते हैं, देखिए एक्स वाई जेड लिखा हमने। अब देखो 6 से 12 गया तो क्या आएगा, 2, 6 कम 6, 6 चौको 24। तो इस प्रकार से बच्चों x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर क्या हुआ 4। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 4। तो बच्चों ये जो y की वैल्यू आई -1/6, 34 -28 इंटू किया था, -12 34 -28 था, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो 28 और 4 का -40 है, बड़े नंबर की संख्या -40, इसलिए यहां पर मेरे में -6 आएगा, 12 -6 -24। और जब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, 6 से कट कर दूंगा, 6 दूनी 12 तो ये 12 होगा और ये -1 होगा और 6 चौको 24 हो गया बच्चों। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो आया बच्चों, फाइनल आंसर हमारा आएगा x = 2, y = 2 का -1 आएगा और z = 4 आएगा। तो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकें।